हेलो फ्रेंड्स, हाजिर है फिर से टारगेटेड जीओवी जॉब्स पे करंट अफेयर्स लेके। आज का करंट अफेयर है 26 मई 2020 के लिए। हमारा चैनल है टारगेटेड जीओवी जॉब्स। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड थायराइड डे 2020 ऑब्जर्व, विश्व थायराइड दिवस 2020 मनाया गया। ऑप्शन है 21st में, 23rd में, 25th में, 27th में। तो इसका सही आंसर है 25th मई को विश्व थायराइड डे मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? 2008 से मनाया जा रहा है, 2008 से मनाया जा रहा है, जो कि एक पार्ट है कैंपेन का, जो कि किनके द्वारा चल रहा है? यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन, अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और लेटिन अमेरिकन थायराइड सोसाइटी एंड एशिया ओशियन थायराइड एसोसिएशन के द्वारा। ये किनकी याद में मनाया जाता है? पेशेंट जो कि थायराइड बीमारी से ग्रसित हैं, डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस जो कि इसको सही कर रहे हैं या इनके थायराइड के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं। ATA की बात करें, अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है मार्था जेगर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अमांडा पर्ल, फाउंडेड 1923, हेडक्वार्टर है सिटी ऑफ वर्जीनिया। ETA की बात करें, यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन की बात करें तो प्रेसिडेंट है लेस्डलो हेगेडस, सेक्रेटरी है लियोनिडास डुंटास, फाउंडेड मई 25, 1965, हेडक्वार्टर है जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे 2020 ऑब्जर्व्ड, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 2020 मनाया गया। ऑप्शन है 23rd में, 24th में, 25th में, 26th में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 25th में को ही ये मनाया जाता है और 2001 से मनाया जा रहा है। ये कब शुरू हुआ? इन 1983 में, जब US के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रेगजन, उन्होंने डिक्लेयर किया था 25 को यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल मिसिंग डे। क्यों डिक्लेयर किया था? क्योंकि इस दिन 6 ईयर का एक लड़का था, नाम था इटेन पेट्ज, जिसका किडनैपिंग हो गई थी 25 मई 1979 को स्कूल इन न्यूयॉर्क सिटी US में। तो उन्हीं की याद में अमेरिका में ये स्टार्ट हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल मिसिंग डे। फिर 2001 के अंदर 25th मई को डिक्लेयर किया गया IMCD इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ या एफर्ट, किनके एफर्ट से ये शुरू हुआ? इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, ICMEC के हार्ड वर्क से, एफर्ट से ये 25th मई को डिक्लेयर हुआ, जो कि मिसिंग चिल्ड्रेन यूरोप एंड द यूरोपियन कमीशन है। एंड द फॉरगेट मी नॉट फ्लोवर ये सिंबल है इस डे का, द फॉरगेट मी नॉट फ्लोवर सिंबल ऑफ दिस डे। ICMEC का हेडक्वार्टर है अलेक्जेंड्रा वर्जीनिया US, चेयरमैन है डॉक्टर फ्रेंच बी ह्यूमर, और ये फोटो है फॉरगेट मी नॉट फ्लोवर की, जो कि ये सिंबल है इस डे का। Everybody will get employment scheme has been launched by which state government? सबको मिलेगा रोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन है GJ गुजरात, MP मध्य प्रदेश, RJ राजस्थान, UP उत्तर प्रदेश। तो सबको मिलेगा रोजगार योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। तो MP CM शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया Everybody will get एम्प्लॉयमेंट, सबको मिलेगा रोजगार, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये योजना लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत जो भी लेबर आएगा, जो भी लेबर है, उनको मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जॉब कार्ड भी मिलेगा। और ये जो है आल्सो लॉन्च्ड फर्स्ट इट्स काइंड ऑफ इनिशिएटिव चरण पादुका कैंपेन, अभी हमने हाल ही में पिछले दिनों में पढ़ा था, चरण पादुका कैंपेन भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया, जिसके तहत शूज स्लीपर्स आर प्रोवाइडेड टू बेयर फुट माइग्रेंट्स, जो भी पैदल चल के आ रहे थे प्रवासी, उनको शूज और स्लीपर्स प्रोवाइड किए गए थे। MP के कैपिटल है भोपाल, CM हमने बात कर लिए शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन।
नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु हैज एग्रीड टू सप्लाई शाही लीची एंड जरदालू आम टू द पीपल एट डोर स्टेप। तो उन संगठनों का नाम जो शाही लीची और जरदालू आम की आपूर्ति लोगों को घर बैठे पहुंचाएंगे, तो ऑप्शंस हैं इंडियन पोस्ट, बिहार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ दीज। तो हाल ही में इंडियन पोस्ट, इंडिया पोस्ट और बिहार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने पार्टनरशिप किया, तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, दोनों ये जो है इन्होंने पार्टनरशिप किया और ये शाही लीची और जरदालू आम को पहुंचाएंगे। तो द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से, इन्होंने पार्टनरशिप की है। शाही लीची की बात करें तो जो शाही लीची है वो मुजफ्फर्स के नॉर्थ बिहार डिस्ट्रिक्ट से है, और इनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग GI टैग 2018 में मिला है। जरदालू आम की बात करें तो इनको भी इस जरदालू आम को भी GI टैग मिल चुका है, अलोंग विथ कटरानी राइस एंड मेघाही पान बेटल वाइन फ्रॉम बिहार से ही है, और 2018 में इसको भी GI टैग मिला है। अभी हाल ही में GI टैग मिले थे, अभी हम डिस्कस करेंगे। बिहार की बात करें तो कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान, नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क वेस्ट चंपारण। और GI टैग की बात करें तो झारखंड के सोहराई कोवार पेंटिंग को भी हाल ही में GI टैग मिला है, तेलंगाना के तेलाई रूमल क्लॉथ को GI टैग मिला है, और तंजोवर नेती वर्क्स एंड अरमाबापुर वुड कार्विंग इनको भी GI टैग मिला, और कश्मीर सेफ्रोन को भी GI टैग मिला है हाल ही में 2020 में। ये हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था। रिसेंटली बलबीर सिंह सर सीनियर पास्ड अवे एट 95, ही बिलोंग्स टू विच गेम। अभी हाल ही में कल ही जो बलबीर सिंह सीनियर है वो, उनकी मृत्यु हुई है, कौन से खेल से संबंधित है? खो खो, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल। तो सही आंसर है दोस्तों हॉकी, हॉकी से संबंधित है। इनके बारे में आइए जानते हैं। ये हैं बलबीर सिंह सीनियर जो कि हॉकी के प्लेयर हैं, लीजेंडरी हॉकी प्लेयर, 3 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एंड बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड बलबीर सिंह हैं जिनकी मृत्यु हो गई। तो 3 टाइम इनको ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, और ये सेंटर फॉरवर्ड प्लेयर हैं। इन्होंने अपनी बायोग्राफी भी लिखी है, द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज, ये इनकी बायोग्राफी है। अब बात करते हैं इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट गोल्स, इन्होंने 5 गोल किए हैं खुद ने हॉकी फाइनल ऑफ द ओलंपिक्स विच इज स्टिल अनबीटन। तो फाइनल में 5 गोल करने वाले ये अभी तक एकमात्र प्लेयर हैं जिन्होंने हॉकी के फाइनल में 5 गोल किए हैं, और अभी तक ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है। ये रिकॉर्ड बना था अगेंस्ट हॉलैंड इन 1952 जब इंडिया ने फाइनल जीता था 6-1 से। और ये पहले हॉकी प्लेयर हैं जिनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, 1957 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। हॉकी इंडिया की बात करें तो प्रेसिडेंट है मुश्ताक अहमद, सेक्रेटरी जनरल है राजेंद्र सिंह, फॉर्म्ड May 20, 2009, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डिटेल में हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली 3 न्यू स्पीसीज हैज डिस्कवर्ड बाय बॉटनिकली सर्वे ऑफ इंडिया, दीज न्यू स्पीसीज आर रिलेटेड टू विच स्पीसीज। तो हाल ही में 3 नई प्रजातियों को भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण द्वारा खोजा गया। ये 3 प्रजातियाँ किन प्रजातियों की से संबंधित हैं? प्लांट, फिश, फ्रॉग, टर्टल। तो इसका सही ऑप्शन है, ये तीनों प्रजातियाँ प्लांट से संबंधित है। तो ए टीम साइंटिस्ट लीड बाय KA सुजाना, तो KA सुजाना जो साइंटिस्ट की टीम की लीडर है, BSI है ये, बायोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने 3 न्यू प्लांट स्पीसीज नेमली यूजेनिया, स्फेरोकार्पा, गोनियोन थालामस सेरिसियस, मेमेसाइक्लोन नेरोवस्कम, इन 3 प्लांट की प्रजातियों को इन्होंने खोजा है वेस्टर्न घाट इन केरला एंड तमिलनाडु से। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI की बात करें तो लोकेशन है
वेस्ट बंगाल पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये तीनों हैं अभी जो तीन प्लांट्स हैं, ये तीनों प्लांट्स की इन्होंने अभी खोज हुई है। नवरक्षक ब्रीथेबल पीपीई किट हैज डेवलप्ड बाय, तो नवरक्षक सांस पीपीटी किट किसके द्वारा विकसित की गई है? डीआरडीओ, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी। तो इंडियन नेवी ने ये नवरक्षक ब्रीथेबल पीपीई किट डेवलप किया है। ये फोटो है नवरक्षक ब्रीथेबल पीपीई किट की, इंडियन नेवी ने डेवलप किया इसको। तो इंडियन नेवी की बात करते हैं तो कमांडर इन चीफ है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह, वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार, मोटो है शेन नो वरुण, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑक्यूपीएसएस एंड टू एस। नेम ऑफ द कंट्री हु हैज सक्सेसफुली टेस्ट फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेजर वेपन सिस्टम टू डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट मिड फ्लाइट। तो अभी हाल ही में कौन से देश ने ये सॉलिड स्टेट लेजर वेपन सिस्टम की सक्सेसफुली टेस्ट किया है? ऑप्शन है यूएसए, रशिया, जापान, नॉर्थ कोरिया। तो इसका सही आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ने सक्सेसफुली लेजर वेपन सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट का टेस्ट किया है। नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्टेट हु गिव्स इन इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स, तो खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? बन गया है मिजोरम, मणिपुर, आसाम, मेघालय। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मिजोरम ने खेल को जो है उद्योग का दर्जा दिया है। तो मिजोरम के जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं रॉबर्ट रोमाविया रोयट, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि प्रपोजल ऑफ स्पोर्ट यूथ सर्विस डिपार्टमेंट टू ग्रांट स्पोर्ट्स एंड इंडस्ट्री स्टेटस, तो स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का उद्योग का दर्जा दिया गया है। मिजोरम की बात करें तो कैपिटल है आइजवाल, गवर्नर है कुमानमम राजा शेखरन, नेशनल पार्क है मुरलिन एनपी चंपाई फावंगपुई नेशनल पार्क, लांगवतलाई टाइगर रिजर्व है डेम्पा टाइगर रिजर्व्स ममिट। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली स्टार्टेड फ्री बस सर्विस फॉर सोल्जर्स, तो भारत के किस राज्य ने हाल ही में सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा शुरू की है? ऑप्शन आरजे, यूपी, एमपी, जीजे। तो इसका सही आंसर है आरजे, यानी राजस्थान ने सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा शुरू की है। तो किन के लिए शुरू की है देखते हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के मूल 770 सैनिकों को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा देने की घोषणा की है। इन सैनिकों को साहस, समर्पण और बलिदान को देखते हुए राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया है। राजस्थान उनके जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। तो यह आज का हमारा करंट अफेयर्स था, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।